ओके, प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था बेसिक का परसेंटेज, परसेंटेज का बेसिक पढ़ा था अपन ने। आज हम बात करेंगे परसेंटेजेस पार्ट टू। नाउ पार्ट टू डील्स विथ सम इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, जिसमें हम ये बात करेंगे कि सपोज एग्जांपल मेरी हाइट आपकी हाइट से 20% ज़्यादा है, तो आपकी हाइट मुझसे कितना परसेंट कम होगी। सो यहाँ पे नॉर्मली लोगों को लगता है 20% आंसर आएगा, या फिर मेरा वेट आपसे 50% ज्यादा है तो आपका वेट मुझसे कितना परसेंट कम होगा। सो आंसर 50 नहीं होगा, कुछ और होगा, राइट। एंड यहाँ हम बात करेंगे मेनली सक्सेसिव परसेंटेज चेंज की, कि अगर कोई ये बोलता है कि 30% डिस्काउंट दिया और 20% और डिस्काउंट दिया, तो इफेक्टिवली कितना डिस्काउंट दिया। यहाँ पे कई बार लोगों को लगता है कि 30 दिया, फिर 20 दिया, तो 50 दिया, ऐसा नहीं है। सो ये सब कॉन्सेप्ट जो है ये हम आज करने वाले डिस्कस। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले ये समझते हैं, लास्ट लास्ट टाइम तो हमने बेसिक परसेंटेज के एप्लीकेशन पढ़ा था और बेसिक उसका क्वेश्चन सॉल्व किए थे। लेट्स मूव ऑन, लिसन वेरी केयरफुली, ध्यान से देखिएगा। ऐसा बोला है, लेट्स से इफ एज सैलरी इज डैश परसेंट मोर देन बी। तो सवाल पूछा है कि बी सैलरी इज व्हाट परसेंट लेस देन ए, ये पूछ लिया आपसे, ठीक है। मतलब ऐसा नंबर दिया होगा आपने यहाँ पे। फिलहाल हमें बोला है कि ए का जो सैलरी है वो बी से कुछ परसेंटेज कम ज्यादा है, और हमें कंपैरिजन करने के लिए बोला हुआ है, राइट। एग्जाम्पल एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, सपोज मान लेते हैं आपको ये बोला है ए का सैलरी बी से 25% ज्यादा है, तो बोले बताइए बी का सैलरी कितना परसेंट कम होगा। तो आप मुझे ये बताइए कि अगर हम दो लोगों की बात करें ए और बी, यहां बोला है ए 25% ज्यादा है बी से। सो अगर बी अर्न करता 100 रुपीज तो ए अर्न करता 125 रुपीज ना। तो क्वेश्चन इज बी कंपेयर टू ए कितना लेस है, और ये टर्म हमें परसेंटेज में चाहिए, राइट। गेटिंग इट। यस सो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि ए जो है बी से 25% ज्यादा है, तो क्वेश्चन ये पूछा गया है, तो बताइए फिर बी जो है वो ए से कितना परसेंट कम है। दैट इज द क्वेश्चन, राइट। बताइए कितना कम है, 25 कम है, लेकिन इस बार वो निकालना पड़ेगा परसेंटेज 125 का। 125 का कितना परसेंट है ये फाइंड करना है। सो आई कैन से 1/5 ऑफ 100 दिस गिव यू हाउ मच, 20%। तो ये बोल सकते हैं कि बी जो है वो ए से 20% कम है। अब आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पे, 20%, राइट। समझ में आ रहा है बच्चों? ओके, एग्जाम्पल चेंज करते हैं, ध्यान से देखना, अभी और अपन समझेंगे। तो ऐसा लिखा होता, इफ एज सैलरी इज डैश परसेंट मोर देन बी, और फिर से वही पूछ लिया कि बताइए बी का जो सैलरी होगा वो कितना परसेंट लेस होगा ए से। तो आप मुझे इतना बताइए, अगर ये लिखा है पिछली बार था 25, तो वहां पे आंसर क्या आया हमारा, 20%। ट्वेंटी। अभी ऐसा बोला है ए का सैलरी बी से 50% ज्यादा है, तो बताइए कितना आएगा। सो अगर दो लोगों की बात करें ए और बी की, अगर बी अर्न करता 100 तो ए कितना अर्न करता, 150 150, क्योंकि आपको बोला है 50% ज्यादा है, राइट। ना तो क्वेश्चन इज बी कितना कम कमाता है ए से, कम कमाता है, लेकिन फॉर्मूला निकालना पड़ेगा 150 से। सो 50 150 का कितना परसेंट है ये हमें फाइंड करना है। सो हमें मिलेगा 1 जा एंड 3 जा, सो 1/3 ऑफ 100 विच बिकम हाउ मच, 33.33%। तो आपका आंसर कितना आएगा, 33.33%। ये तो क्लियर हो गया कि नंबर सेम नहीं आएगा, ये कंफर्म है। हाँ
नंबर सेम नहीं आएगा, कंफर्म है ये, मालूम पड़ रहा है? हाँ. ओके, अब ध्यान से देखिएगा. अभी रूल क्या है वो समझते हैं. रूल ये कहता है कि अगर मान लेते हैं मैं आपसे x परसेंट ज्यादा हूँ, मेरी सैलरी आपसे x परसेंट ज्यादा है, तो आप मुझसे कितना कम होंगे. तो फॉर्मूला होता है 100x अपॉन 100 प्लस x परसेंट, ये फॉर्मूला होता है. तो अगर आप यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं कि 25 दिया हुआ है, सो अगर मैं आपसे 25% मोर हूँ, ज्यादा हूँ, तो आप मुझसे कितना कम होंगे. तो 100 इंटू 25 अपॉन 100 प्लस 25, जिससे आपका आंसर आएगा 100 इंटू 25 अपॉन 125. 1 एंड 5 जा, व्हाट इज 100 बाय 5? 100 बाय 5 इज 20. 20 आ गया आंसर, राइट. अब सेम हम लगाते हैं, सपोज मारते हैं 50 पे. सो अगर आपको ये 50 क्या होता, ये कितने निकाल सकते हैं आराम से. यहाँ पे करता हूँ मैं सॉल्व. अगर x का वैल्यू 50% है, तो अब आपका आंसर आएगा 100 into 50 अपॉन 100 प्लस 50 यानी 150. 1 जा एंड 3 जा, राइट. व्हाट इज 100 बाय 3? 33.33. याद रखना, राइट. क्योंकि कोई भी एग्जाम की बात करोगे तो एमएसयू बीबी के हिसाब से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है बच्चों? हाँ सर. लेट्स मूव ऑन. तो कॉन्सेप्ट क्या हुआ, अभी कुछ लिखना नहीं है, मैं आपको नोट जो है ना भेज दूंगा आपको, ये वाले, डोंट वरी. जितना काम का लगता है उतना लिखते जाइएगा, बाकी ये पूरा जो बोर्ड पे आ रहा है मैं लिखते जाऊंगा, दे दूंगा आपको, पीपीटी भेज दूंगा आपको. ये ध्यान से देखिएगा. ऐसा बोला है, इफ ए सैलरी या वेट कुछ भी दिया है इज एक्स परसेंट मोर देन बी, तो जो बी का सैलरी हो गया वो कितना परसेंट कम हो गया. 100 एक्स अपॉन 100 प्लस एक्स परसेंट लेस देन ए, ऐसा बोल सकते हैं, है ना. ये अपना पहला फॉर्मूला आया. अब अगर मान लेते हैं उल्टा लिखा होता, ऐसा बोला है इफ एज सैलरी इज एक्स परसेंट लेस देन बी. अब सवाल पूछा है कि बताइए फिर बी का जो सैलरी होगा, बी सैलरी इज हाउ मच परसेंट मोर देन ए, ये पूछ लिया. इस बार उल्टा दे दिया, लेस दिया हुआ है और मोर पूछा है. पिछले क्वेश्चन में क्या था, पिछले क्वेश्चन में मोर दिया था और लेस दिया था, लेस. हाँ, ध्यान रखना है, जब मोर दिया होगा तो फॉर्मूले में नीचे प्लस आएगा और जब लेस दिया होगा तो माइनस आएगा. तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 100x upon 100 x 100 minus x x परसेंट, ये आपका आंसर होगा. समझ में आ रहा है सर? तो एग्जांपल समझते हैं, और कि लेट से दो लोग हैं, राम और एक निकला है श्याम. ऐसा बोला है राम की सैलरी श्याम से, आपको ऐसा बोला है 25% लेस है. बोला बताइए फिर श्याम जो है वो राम से कितना ज्यादा मोर है, ये पूछ लिया आपसे. तो आपका आंसर क्या आएगा, 100 इनटू 25 क्या दिया हुआ, लेस दिया है. क्या दिया है बच्चों, लेस की मोर, लेस नीचे क्या लगाएंगे माइनस. तो आपका आंसर आएगा 100 इनटू 25 अपॉन 75. 1 and 3 za, 33.33. ये फॉर्मूला में याद रखना है, ये फॉर्मूला पे काम का है, अगर मोर दिया है तो ये और लेस दिया है तो ये, याद रहेगा. हाँ सर. यस सर. का किसी को कोई डाउट नहीं है? हाँ. अच्छा, आपको पता है आपके जो सेटअप है आपको दिख रहा है, इसके अंदर एक हैंड रेस करके ऑप्शन भी आता है मोर में जाओ तो. हाँ देखा सर. हाँ, किसी को डाउट लगता है तो हैंड रेस कर दीजिएगा तो मुझे मालूम पड़ जाएगा आप कुछ पूछना चाहते हैं.
चलो लेट्स मूव ऑन, आगे चलते हैं। अब ये फॉर्मूले का कहां कहां पे एप्लीकेशन आएगा वो समझ, इसका एक शॉर्टकट समझ, शॉर्टकट पे आते हैं। शॉर्टकट क्या है ध्यान से देखना, याद रखना कि अगर मैं आपसे मोर दिया हूं तो आप मुझसे कितना लेस होंगे, अगर वो फाइंड करना है तो उसके लिए एक शॉर्टकट लगती है। शॉर्टकट क्या है वो समझते हैं। देखिए अगर शॉर्टकट की बात करें, शॉर्टकट ये है कि अगर मैं आपसे वन ज्यादा हूं तो आप मुझसे वन बाय टू कम होंगे, अगर मैं आपसे वन बाय टू ज्यादा हूं, वन बाय टू मतलब 50%, सो आप मुझसे वन थर्ड कम होंगे, अगर मैं आपसे 1/3 ज्यादा हूं तो आप मुझसे 1/4 कम, 1/4 मैं आपसे 1/4 ज्यादा हूं तो आप मुझसे 1/5 कम होंगे, एंड सो ऑन चलता रहेगा। इस पे और भी आएगा समझते हैं, पर ये इसको ध्यान रखना। तो इस क्वेश्चन पे आ जाओ फटाफट, ये बताइए ये कितना ज्यादा दिया है, 25%, 25 वन बाय कितना होता है, 1/4, हाँ 1/4, मैं आपसे 1/4 ज्यादा हूं तो आप कितना कम होंगे, 20%, 20%, तो क्या यहाँ पे 20% आंसर है, यस, हाँ, हाँ, अगर मैं आपसे 1/2 ज्यादा हूँ, 1/2, तो आप कितना कम होंगे, 1/3, what is 1/3, 33.3, मैं आपसे 50% ज्यादा हूँ, तो आप मुझसे 33.3% कम है, है ना, तो ठीक लगाएंगे तो भी काम चल जाएगा, समझ में आ रहा है, हाँ सर, ओके। और अगर ये दिया है कि मैं आपसे लेस हूँ, मेरी सैलरी आपसे 25% लेस है, तो आप मुझसे कितना मोर, तो अब हम कहाँ देखेंगे, लेस वाले कॉलम में, लेस वाले कॉलम में 25 कहाँ पे, ये 1/4, तो 1/4 लेस, तो मोर कितना, 1/3, व्हाट इज 1/3, 33.33, क्लियर आपका आंसर, मालूम पड़ रहा है, हाँ सर, ओके। तो अब कॉन्सेप्ट को करते हैं समराइज। देखिए अगर ऐसा लिखा है कि मेरी सैलरी आपसे मोर है और आप मुझसे कितना लेस है, ये इसके बारे में बात करता है, तो मैं इतना रखना है, अगर मैं आपसे 1 ज्यादा हूं तो आप मुझसे 1/2 लेस होंगे, मैं आपसे 1/2 ज्यादा हूं तो आप मुझसे 1/3 लेस होंगे, मैं 1/3 आपसे ज्यादा हूं तो आप मुझसे 1/4 कम होंगे, मेरी हाइट आपसे 1/4 ज्यादा है तो आप मुझसे 1/5 तो 1/6 चलता रहेगा। हाँ याद रखना, अगर मैं आपसे n अपॉन x मोर, अगर मैं आपसे n अपॉन x मोर तो आप मुझसे n अपॉन n प्लस x लेस, ध्यान से देखिए इसको ऑब्जर्व करते हैं, तो 1/2 मोर, तो n कितना है, n 1 और x कितना है 2, तो नीचे क्या आएगा, n तो सेम ही आएगा लेकिन नीचे इनका समीशन आएगा, और इनका समीशन कितना हुआ, 1 + 2 = 3, हाँ 1/3, तो मैं 1/2 ज्यादा हूँ तो आप 1/3 कम हैं, कम, समझ में आ रहा है, हाँ सर, अगर मैं आपसे n अपॉन x मोर तो आप मुझसे n अपॉन n प्लस x लेस, राइट, हाँ, कोई दिक्कत इसमें अभी तक किसी को, नहीं सर, पक्का, हाँ सर, ओके, चलो इसका एप्लीकेशन देखते हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन इज टू कंपेयर टू थिंग्स परसेंटेज वाइज, कोई दो चीजें कंपेयर करनी है आपको परसेंटेज के हिसाब से, मैं आपसे कितना ज्यादा तो आप मुझे कितना कम, ऐसा क्वेश्चन है कुछ परसेंटेज वाइज, वहां पे काम करेगा ये, राइट, हाँ सर, यस सर। दूसरा एप्लीकेशन ये है फॉर कॉन्स्टेंट मल्टीप्लीकेशन। अब ये कुछ नया आया, कॉन्स्टेंट मल्टीप्लीकेशन मतलब क्या, आप मुझे ये बताइए, एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला कह सकते हैं, वो होता है कितना प्राइस में सामान लिया और कितना कंजम्पशन किया, प्राइस इनटू कंजम्पशन बोल सकते हैं, बोलो बच्चों,
एक्सपेंडिचर क्या फॉर्मूला होता है प्राइस इनटू कंजम्पशन. आवाज आ रही मेरी? हाँ सर. हाँ एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला होता है प्राइस इनटू कंजम्पशन. अगर मैं प्राइस बढ़ाऊंगा तो मेरा एक्सपेंडिचर बढ़ेगा कम होगा? कम होगा. प्राइस बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है तो मेरा खर्चा बढ़ेगा कम होगा? कम होगा. कम कैसे होगा? बढ़ेगा. अगर बढ़ेगा पेट्रोल की प्राइस बढ़ जाएगी तो खर्चा कम हो जाएगा? नहीं नहीं बढ़ेगा. बढ़ेगा ना कि नहीं? बढ़ेगा. बढ़ेगा तो अगर हमने कंजम्पशन डाउन कर दिया तो हो सकता है कांस्टेंट आ जाए. अब सवाल वही है. सवाल क्या, ध्यान से देखना. इफ प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीजेस बाय 25% बाय व्हाट परसेंट कंजम्पशन नीड टू बी रिड्यूस दैट एक्सपेंडिचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट. एक्सपेंडिचर ना बढ़े उसके लिए हमें कंजम्पशन कितना कम करना पड़ेगा, ये सवाल पूछा है आपसे. तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं. आप मुझे इतना बताइए कि प्राइस कितना बढ़ रहा है? 25% राइट. आपको बोला गया है बताइए कि कितना कम करना पड़ेगा, ये पूछा है आपसे. तो पहली बात तो ये याद रखना कि अगर हम सिंपल बात करें इस क्वेश्चन को क्रैक करने के लिए हम नंबर एज्यूम करते हैं. एग्जांपल एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला होता है प्राइस इनटू कंजम्पशन और मान लेते हैं प्राइस था 100. तो बताइए नया प्राइस क्या होगा, न्यू प्राइस क्या हो जाएगी? 125 राइट. हाँ ऑलराइट. अब ये मालूम है कि अगर प्राइस मान लेते हैं 100 था और कंजम्पशन अगर 10 है तो बताइए अगर प्राइस 100 और कंजम्पशन 10 तो खर्चा कितना हुआ? 1000 राइट. 1000 हुआ. हाँ. हमें बोला है कि 1000 ही खर्चा आना चाहिए लेकिन प्राइस 125 हो गई तो कंजम्पशन निकाल सकते हैं यहां से? हाँ. जब तुम सिंप्लीफाई करोगे तो कंजम्पशन की वैल्यू आएगी 1000 डिवाइड बाय 125 आपको मिलेगा 8. तो बताइए पहले कितना कंज्यूम करते थे आप? 10. आप कितना कर रहे हो? 8. कोई वैल्यू अगर 10 से 8 हो गई, कम बढ़ रही कम हो रही है? कम हो रही है. कितना कम हो गई? 20% 2 विद रिस्पेक्ट टू 10 है ना. पिछली वैल्यू हमेशा नीचे ओल्ड वैल्यू आती है. इनटू करेंगे 100 तो आंसर कितना आएगा? 20% ऐसे बोल सकते हैं. 20% इसका मतलब है अगर आपको एक्सपेंडिचर को कांस्टेंट रखना है तो कंजम्पशन को आपको 20% डाउन करना पड़ेगा, ऐसे बोल सकते हैं? यस सर. तो ये तो यही कॉन्सेप्ट है पिछला वाला. देखो अगर प्राइस को मैंने 1/4 बढ़ाया तो कंजम्पशन कितना कम करना पड़ रहा है? 1/5 तो एक्सपेंडिचर पे क्या फर्क पड़ रहा है? एक्सपेंडिचर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 0%. गेटिंग इट? यस सर. यस सर. डाउट नहीं है? समझ में आया इतना आपको? ओके. ये कहां कहां पे काम करेगा वो समझते हैं. ये 3-4 जगह पे काम करेगा. इसका पहला एप्लीकेशन तो ये होगा कि ये काम करेगा सबसे पहले तो एक्सपेंडिचर पे. तो पहला एप्लीकेशन एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू क्या होता है? प्राइस इनटू कंजम्पशन. दूसरा एप्लीकेशन ये बताइए एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ. और तीसरा कॉन्सेप्ट आपका आ जाएगा किसी कंपनी का रिवेन्यू जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है? वो प्राइस इनटू सेल्स पे डिपेंड करता है. सेल्स. तो अगर ऐसा बोला है एक रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल की लेंथ को मैंने 20% बढ़ा दिया तो बोला है बताइए इस ब्रेथ को मैं कितना कम करूं ताकि एरिया कांस्टेंट आए. तो बताइए कितना बढ़ा रहे हम? 20% कितना होता है? 1/5 अगर बढ़ा रहे हैं तो कम कितना करना पड़ेगा?
1/6 तो इस पूरे रेक्टेंगल की लेंथ को आप 16.66% का जो एरिया आएगा जो अभी था वही एरिया बाद में आएगा यानी कांस्टेंट रहेगा एरिया में कोई फर्क नहीं आएगा समझ में आ रहा है चौथा कॉन्सेप्ट ये बताइए व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल वन बाय टू बेस इनटू हाइट तो अगर ट्रायंगल की बेस को मैं 25% कम करता हूं बोला बताइए इसकी हाइट को कितना बढ़ाना पड़ेगा ताकि इसका एरिया बराबर आए एरिया कांस्टेंट आए 1/3 करेक्ट कितना कम किया अपन ने 1/4 कम किया है तो पीछे आ जाओ वापस यहां पे ये रहा कांसेप्ट 1/4 अगर हमने कम किया है तो बढ़ाना कितना पड़ेगा 1/3 राइट 1/3 होगा दैट मींस यहां पे 1/3 करना पड़ेगा तब जाके बात बराबर आएगी तो ये कांसेप्ट यहां पे भी काम करेगा समझ में आ रहा है आपको इतना सर ओके ये भी आगे चलो आगे आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग फैक्टर कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग फैक्टर ये कॉन्सेप्ट क्या होता है पहले वो समझते हैं अच्छा इसके पहले याद रखना कि कोई भी अगर आपको बोलता है परसेंटेज चेंज निकालो तो परसेंटेज चेंज निकालने का तरीका होता है जो भी चेंज हुआ है डिवाइड में आएगी हमेशा इनिशियल वैल्यू इनटू 100 ये फॉर्मूला होता है क्या रखना अगर हम बात करें परसेंटेज की कि परसेंटेज में चेंज कितना हुआ है वो कैसे निकाला जाएगा वो निकालने का तरीका होता है चेंज अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100 मैं फिर से लिखता हूं थोड़ा सा यहां पर रह गया परसेंटेज चेंज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कि कभी भी अगर आपको ये पूछता है कि कैलकुलेट परसेंटेज चेंज तो बच्चों याद रखना परसेंटेज चेंज जो निकालने का तरीका होता है परसेंटेज चेंज इज गिवन बाय व्हाटएवर चेंज इज देयर डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू ओल्ड वैल्यू इनटू कर देंगे 100 एग्जांपल एक आदमी का सैलरी 15,000 था और अब वो सैलरी 15,000 से बढ़ के 18,000 हो गया So, what is the percentage change here? कितना change हुआ? 3,000? 3,000 upon 15,200. Initial value. 15,000. ये 3 0 cancel हो गए, तो आपका answer आया 1/5. What is 1/5? 1/5. 20%. ऐसे निकालना होगा. निकाल लेंगे आराम से? Yes. Hmm. पक्का कोई दिक्कत नहीं आएगी? No. Sure? Huh. ओके अब हम आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर मल्टीप्लाइंग फैक्टर देखिए ऐसा बोला होता इंक्रीज अ नंबर एन बाय 20% तो इसका मीनिंग क्या होगा इसका मीनिंग होगा n प्लस 20% ऑफ n ऐसा बोल सकते हैं एक नंबर को बढ़ाना है इंक्रीज करना है इस इंक्रीज इससे प्लस आएगा और 20% बढ़ाना है इसका मतलब 20% ऐड कर दिया इसका मतलब होगा n प्लस 20/100 ऑफ ऐसा बोल सकते हैं हाँ यहां पे मैंने एलसीएम लिया तो एलसीएम हो जाएगा 100 आपको मिलेगा 100 प्लस 20n 120n/100 अग्री विद दिस 120n/100 को लिखने के दो ऑप्शन होंगे या तो आप लिख सकते हो 120% ऑफ n या आप लिख सकते हो 1.2n एक ये लिख सकते हो या फिर ये लिख सकते हो क्योंकि जब परसेंटेज का साइन हटता है तो नीचे 100 आता है और अगर नीचे का साइन हटाना है तो परसेंटेज लगा दो वही करा है मैंने ये नीचे वाला 100 हटा दिया तो लगा दिया मैंने परसेंटेज
राइट, और अगर पूरा सिंप्लीफाई किया तो क्या मिलता है 1.2n. तो कह सकते हैं अगर किसी नंबर को 20% बढ़ाना है तो 1.2 का मल्टीप्लाई करना है. Yes. तो अगर 20% बढ़ाना है तो 1.2 मल्टीप्लाई करना है. अगर 30% बढ़ाते तो 1.3. राइट. या फिर ये सोचो, कॉमन सेंस लगाओ कि अगर 20% बढ़ाया तो 120% कर दिया, 30 बढ़ाएंगे तो 130% कर देंगे, ऐसा बोल सकते हैं? Yes, sir. All right. तो आप मुझे इतना बताइए, अगर मैं यहां लिखता हूं परसेंटेज चेंज, यहां लिखता हूं परसेंटेज इक्विवेलेंट, समझ में ना आए तो प्लीज बताइएगा, और यहां लिखता हूं मैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर, यहां से देखना. अगर मैं किसी नंबर को 20% बढ़ाऊंगा तो कितना बन जाएगा वो? 120% बन जाएगा. 120% यानी कह सकते हैं मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1.2 का. सो 1.2 टाइम्स कर देंगे तो अपने आप कितना बढ़ जाएगा? अपने आप 20% बढ़ जाएगा. अगर मुझे किसी नंबर को 25% बढ़ाना है तो कहना राइट, 25% बढ़ाया मतलब 125% कर दिया, 125% ऑफ ओरिजिनल. सो आई कैन राइट 1.25 टाइम्स, ऐसे बोल सकते हैं. अगर मैंने किसी नंबर को 10% कम किया तो 10% कम करेंगे तो 90% बचेगा, और 90% का मतलब होता है 0.9 टाइम्स ऑफ नंबर. समझ में आ रहा है मैं कैसे निकाल रहा हूँ मल्टीप्लाई फैक्टर? बहुत काम की चीज है आपके लिए. Yes, sir. Yes, sir. अगर मैं किसी नंबर को 20% कम करूंगा तो कितना बचेगा? 80% मतलब 0.8 है ना. तो ये आपको याद रहना चाहिए कि आप कैसे निकाल रहे हो मल्टीप्लाइंग फैक्टर. बहुत काम की चीज है ये. बुक में तो नॉर्मली फॉर्मूला मिलेगा, बुक में फॉर्मूला ये मिलेगा कि अगर इंक्रीज करना है, इंक्रीज अ नंबर n by x percent, तो ऐसा लिखा होगा n के अंदर 1 plus x by 100 का मल्टीप्लाई कर दो, और लिखा होता डिक्रीज कम करना है, डिक्रीज अ नंबर n by x percent, तो अब आ जाएगा n के अंदर कर दो मल्टीप्लाई by x by 100 का. ये फॉर्मूला मिलेगा बुक के अंदर. लेकिन इससे इजी आप ये कर सकते हो कि एग्जांपल अगर 20% बढ़ाना है तो 120% ऑफ एन करना है, सिंपल. तो फॉर्मूला भी लगा सकते हो, वहां से भी यही मिलेगा अल्टीमेटली. लेकिन ये लॉजिकल है, ये लॉजिकली सोच रहे हो आप, ठीक है, लॉजिकली. और ये आप मैथमेटिकली पूरा बना रहे हो. तो सिंपल मुझे इतना बताओ, अगर 5% कम किया तो कितना बचेगा? 95% राइट. हाँ. ओके. So, आज अपन ने क्या क्या पढ़ा वो करता हूं समराइज. पहली चीज, अगर मैं आपसे x परसेंट मोर हूं, या फिर अगर x परसेंट मोर ना देते हुए अगर इंक्रीमेंट किया गया तो कितना डिक्रीमेंट करना पड़ता है, या मैं कितना लेस हूं? सो आपका आंसर आएगा 100x अपॉन 100 प्लस x लेस, या उतना करना पड़ेगा डिक्रीमेंट. सेकेंड कॉन्सेप्ट अपन ने ये पढ़ा कि अगर मैं आपसे x परसेंट लेस हूं, या हमने अगर डिक्रीमेंट करा x परसेंट तो कितना आएगा आंसर आपका? 100x अपॉन 100 माइनस x परसेंट मोर, या उतना हमें इंक्रीमेंट करना पड़ेगा. फिर अपन ने इसी कॉन्सेप्ट में थर्ड ये पढ़ा कि मोर है और अगर आपको लेस फाइंड करना है तो 1 1/2 1/2 तो 1/3 1/3 1/4, और अगर मैं आपसे तो आप ऑन x n plus x. फोर्थ परसेंटेज चेंज, हाउ विल यू कैलकुलेट परसेंटेज चेंज? वो निकालोगे आप
change upon initial value increase number to 100. Yes. और फिफ्थ आपने पढ़ा मल्टीप्लाइंग फैक्टर. अगर आपने x परसेंट का इंक्रीमेंट करना है तो 100 प्लस x परसेंट ऑफ इनिशियल, ऐसा बोल सकते हैं. ये वही है पीछे वाला, 20 परसेंट बढ़ाया तो 100 प्लस 20 120 परसेंट ऑफ इनिशियल. n क्या है? इनिशियल नंबर, राइट? यस. और अगर x परसेंट डिक्रीज करना है तो, अगर डिक्रीमेंट है x परसेंट का, माइनस, करेक्ट, तो 100 माइनस x परसेंट ऑफ इनिशियल नंबर, ऐसा बोल सकते हैं. तो ये हमने पढ़ा है आज बेसिक जो कवर किया है, राइट. अब इसी में अपन इसके एप्लीकेशन देखेंगे. देखिए आप मुझे इतना बताओ, ऐसा बोला है population of a town increases by 20% and becomes 84,000. Find initial population. बहुत important question है as far as MSU BBA is concerned. तो MSU BBA के हिसाब से बहुत important question है ये, या AR रखना, या BCA के हिसाब से, या law के हिसाब से. क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा ध्यान से देखिएगा. सॉल्यूशन बहुत सिंपल क्वेश्चन है. मेथड नंबर वन, पहली मेथड ये होगी कि आप मुझे इतना बताइए कि अगर इनिशियल पॉपुलेशन 100 होती तो बताइए फाइनल कितनी होती. 120. 20% बढ़ रही है, 120, बट फाइनली कितना दिया है आपको? 84,000. निकाल सकते हैं इनिशियल क्रॉस मल्टीप्लाई, ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा और ये नीचे डिवाइड आ जाएगा. सो 100 इंटू 84,000 डिवाइड में आ जाएगा 120, 00 कट, 12 7 84, ये आ गया 700. 700 का 100 टाइम्स विच गिव यू 70,000. यानी पॉपुलेशन क्या था? 70,000. ये वाली मेथड आपकी बेस्ट मेथड है, सबसे इजीएस्ट मेथड है, राइट. और भी मेथड है वो समझते हैं कि अगर मान लेते हैं इनिशियल और फाइनल की बात करें, अगर इनिशियल होता x तो फाइनल कितना होता? 1.2x, क्योंकि 20% बढ़ गया. 20% बढ़ाना मतलब 1.2 करना. Yes. और 1.2x की वैल्यू अगर 84,000 है तो x का वैल्यू होगा 84,000 डिवाइड बाय 1.2, जिससे आपको फिर से मिल जाएगा 70,000. 700. राइट. सो एक तो मैं आपका मेथड हो गया ये वाला. तो पहला मेथड था जिसमें आपने 100 लिया, बेस्ट मेथड, और दूसरा आपका हो गया ये वाला x 1.2 वाला. समझ में आया इतना आपको ये? यस सर. ऑलराइट, तो अब ध्यान से देखना, आगे एक और करते हैं मॉडिफाई. अ नंबर इंक्रीज बाय 20% and then by 10%. A number increased by 20% and then increased by and then by 20% and then increased. Increased by 10%. Question is, find the initial number if final number is, ऐसा बोला हुआ है, मान लेते हैं 66660, ऐसा दिया हुआ है. एक नंबर को पहले 20% बढ़ाया और फिर कितना बढ़ाया? 10%. 10%. कितना बन गया नंबर? 66660. तो बोला इनिशियल नंबर क्या होगा. तो वही दो मेथड है इसमें भी. फिर से पहले लेते हैं 100 वाला मेथड, मेथड वन. अगर हम स्टार्ट करें 100 से, अगर 100 होता तो 20% बढ़ाओ कितना हो गया? 120. अब इसे कितना बढ़ाना है? और 10%. कितना हुआ 10% इसका? 132. 132 हो गया.
तो अगर इनिशियल नंबर 100 है तो फाइनल नंबर 132 है. बट हमें क्या मालूम है, इनिशियल पता है फाइनल पता है? अब 660 क्या है फाइनल? फाइनल ये लिखेंगे, ये 660 है तो वो क्या रहा होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई 100 इनटू 660 डिवाइड बाय 6 से कैंसिल किया तो 22, 6 से कैंसिल किया तो 110, 11 से किया तो 2, 11 से किया 10, 1 जा एंड 5 जा तो आंसर क्या आएगा? 500. सो इनिशियल नंबर क्या था? इनिशियल नंबर था 500. समझ में आया? यस सर. ये आपकी हुई मेथड नंबर 1. अब आते हैं मेथड नंबर 2 पे, कि पहले हमें कितना बढ़ाना है? 20%. फिर कितना बढ़ाना है? 10%. अगर ये x हो तो 20% बढ़ने के बाद 1.2x हो जाता. हाँ. Yes. अब 10% बढ़ाना है, 10% बढ़ाना है मतलब 110% करना है, यानी 1.1 times. So 1.1 times of what? This number. 1.2x. यहाँ से देखो, पहले इसको हमें बढ़ाना है 20%. 20% बढ़ाना है मतलब 120% कर देना है. 120% का मतलब होता है 1.2 times. 10% बढ़ाना है, 10% बढ़ाने का मतलब होता है 110% कर दो. 110 का मतलब होता है 1.1 times. और 10% बढ़ाना किसको था? इस पूरी वैल्यू को. इसका मतलब है पूरी वैल्यू में आपने मल्टीप्लाई किया 1.1 का. गेटिंग इट? यस. सो आई कैन राइट 1.1 इनटू 1.2x इज इक्वल्स टू 660. सो x इज व्हाट? 660 अपॉन 1.1 इनटू 1.2. ये पॉइंट उड़ाया और ऊपर दो जीरो लगा दिए. 11 वनजा 60 जा 1 जा एंड 5 जा तो आंसर आ गया 500. समझ में बैठ रहा है बच्चों? हाँ. ओके ग्रेट, चलें आगे. किसी को कोई डाउट नहीं है? नाइस. नो सर. ऑल द 10 पार्टिसिपेंट्स, कोई डाउट नहीं किसी को भी? नो सर. नो सर. ठीक ठीक. नो सर. ग्रेट, आगे चलते हैं. तो आप मुझे इतना बताइए, ऐसा सपोज मान लेते हैं, अब हम बात करते हैं सक्सेसिव परसेंटेज चेंज. अगर मैंने एक नंबर को 20% बढ़ाया और फिर 20% बढ़ाया तो बताइए इफेक्टिवली मैंने कितना परसेंट बढ़ाया, ये पूछा है आपसे. So, याद रखना है ये 40 नहीं होगा, क्योंकि ये एक के बाद एक है, ये एक के बाद एक. मतलब अगर 100 था, 100 को 20 बढ़ाया तो कितना हो गया? 120. और अब इस 120 को 20% बढ़ाना है तो 120 20% होता है 24. ये कहां से आ गया? 20% ऑफ 120 कितना हो गया बच्चों? ये 140. तो 100 से कहां पहुंच गए? 144. कितने बढ़ गए? 44% बढ़ गया. हाँ. तो एक तरीका तो ये वाला हो गया आपका, कि आपने ऐसे काउंट किया. एक तरीका ये भी आप कर सकते हो कि 20% बढ़ाना है, इसका मतलब एक कहना के अंदर राइट 1.2 टाइम्स करना है. yes. और 20 फिर बढ़ाना है, यानी फिर से 1.2 टाइम्स करना है. व्हाट इज 1.2 इनटू 1.2? 1.40. एंड कभी भी अगर आप 1.44 करते हो, इसका मतलब क्या होता है? 44% बढ़ा रहे हो. 44%. क्योंकि 20% बढ़ाने का मतलब होता है 1.2, 30% बढ़ाने का मतलब होता है 1.3, 10% कम करने का मतलब होता है 0.9. तो ये 1 से बड़ा है, ये बढ़ रहा है. तो डेसिमल के बाद जो भी नंबर लिखा होगा, 1 के बाद अगर ये 1 है तो ये जो भी लिखा होगा उतने परसेंट होंगे आपके. या फिर यूं याद रखो कि अगर आपके पास मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, उसमें से 1 कम करके 100 का मल्टीप्लाई कर दो तो आपको परसेंटेज का चेंज मिल जाएगा. सो पिछली बार हमारा 1.44 था, 1.44 माइनस 1 इंटू 100, दिस गिव यू 0.44 इंटू 100. तो आपका आंसर कितना होगा? 44%. बट ये सारा कैलकुलेशन मेंटली करना है, लिखना नहीं है इतना. राइट?
सो आप मुझे बताओ, अगर मैं किसी नंबर में 0.72 करता हूं, ये मेरा MF है, तो परसेंटेज चेंज कितना हुआ ये पूछ लिया आपसे, तो क्या करेंगे 0.72 माइनस 1 इंटू करेंगे 100 माइनस के 0.28 इंटू 100 यानी कितना आ जाएगा 28. Is it okay? Yes. Okay, तो ये सक्सेस परसेंटेज चेंज हो गया. यहाँ पे क्या करा अपन ने, यहाँ पे अपने ये किया कि 1.2 और 1.2 मेथड से निकाला. अब एक फॉर्मूला भी होता है इसका, वो उस पर भी आएंगे अपन, फिलहाल समझते हैं इसको. ये रब करता हूं मैं. अब आप मुझे इतना बताना, 20% कम किया और फिर 20% कम किया, तो इफेक्टिवली कितना परसेंट का चेंज हुआ बताइए. 20% कम करा मतलब हाउ मेनी टाइम्स, कम किया यानी 80% बचा. 80% मतलब हुआ 0.8. फिर 20% कम करना है यानी फिर से करना है 0.8. तो व्हाट इज 0.8 into 0.8? 0.64. इसका मतलब हाउ मच परसेंट डाउन. वैल्यू बिकम 64% यानी 36% आपने डाउन कर दिया है, ऐसा बोल सकते हैं. Yes. इसको निकालने का एक फॉर्मूला है. फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी प्लस ए बी बाय 100. अगर डिक्रीमेंट है तो माइनस डालेंगे, यहाँ पे डिक्रीमेंट है तो माइनस, और प्रीवियस क्वेश्चन की तरह अगर इंक्रीमेंट हुआ तो प्लस और इंक्रीमेंट है तो प्लस. चेक करते हैं, अगर यहाँ पे डिक्रीमेंट है तो माइनस 20 फिर माइनस 20 प्लस माइनस 20 इंटू माइनस 20 अपॉन 100, तो ये आपको मिलेगा माइनस 40. 0 0 कट हो गए यहाँ पे, और ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या मिल गया, प्लस. What is minus 40 plus 4? Minus 36. Correct. समझ में आया? फॉर्मूला आपका ये काम का है. मानो प्लीज बताइए. सर अगर पहले माइनस और फिर प्लस हुआ तो? हाँ बेटा, वो भी कर सकते हैं, मतलब साइन पे फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी साइन आ जाए. है ना, एग्जांपल लेते हैं. सपोज ऐसा बोला होता कि पहले 20% कम किया और फिर 30% बढ़ा दिया. फॉर्मूला इज ए प्लस बी प्लस ए बी बाय 100. डाल दीजिए वैल्यू, माइनस 20 प्लस 30 माइनस 20 इंटू 30 अपॉन 100. ये तो आपका आ गया 10. ये 0 कट, माइनस 6 4%. मतलब कोई 20% कम करता है फिर 30% बढ़ाता है, इसका मतलब है इफेक्टिवली 4% का इंक्रीमेंट ही हो रहा है. ओके, समझ में आया बच्चों? हाँ सर. ओके, तो इंक्रीमेंट के लिए प्लस, डिक्रीमेंट के लिए माइनस. इसके भी बहुत सारे एप्लीकेशन है, वो समझेंगे अभी अपन, बट अभी मैं ये मैंने पीपीटी बनाई थी, देखते जाते हैं. ये फ्रैक्शन की वैल्यू याद रखनी है अपने को, याद है? हाँ सर. है ना, 1/1 कितना होता है? 100%. राइट, ये सब वैल्यू आपको याद रखनी है. कल भी किया था डिस्कस, ये अपन अभी डिस्कस किया. इफ ए इज एक्स परसेंट मोर, अगर मैं आपसे एक्स परसेंट मोर हूं तो आप कितना कम होंगे? 100 x upon 100 plus x. है ना, और लेस दिया होता तो माइनस 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 x. राइट, यस. मेरी सैलरी आपसे ज्यादा, आप कितना कम? और इन शॉर्ट मैं आपसे n अपॉन x मोर, तो आप मुझसे n अपॉन n अपॉन n प्लस x. ऐसी था कुछ? हाँ सर. यस सर. बताओ क्या आंसर आएगा क्वेश्चन का. One by
1/6 कितना बढ़ा रहे हैं 1/5 1/6 कितना कम करना पड़ेगा 1/6 कम होगा 16.66% आप मानोगे क्वेश्चन एमएसयू बीबीए में आया था ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है मतलब 10 साल हो गए मुझे इवन ये तो 12th ईयर हो गया इनफैक्ट तो 10-11 साल हो गए ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है और बहुत सारे एग्जाम में आता है सिंपल बिल्कुल कुछ नहीं पूछेंगे कोई चढ़ाई वड़ा नहीं करेंगे ऐसा क्वेश्चन दे देंगे सिंपल इज इट ओके लेट्स मूव ऑन ये बताइए वन फोर्थ है तो 1/5 आएगा सर करेक्ट 1/5 फोर बढ़ा रहे हैं 1/5 1/5 आंसर क्या होगा 20% और फॉर्मूला लगाए तो फॉर्मूला कैसे कैसे मिलेगा 100 into 25 और ये आपकी हो गई मेथड नंबर मेथड टू ये बताइए 1/3 इस बार आपने 1/4 कम किया क्रीज क्रिया ये बढ़ाना पड़ेगा ये कितना आएगा 33.3 अग्री विद दिस यस सर ऑलराइट ये फ्री तो नहीं है नहीं देखो फ्लिपकार्ट पे सेल आई थी फ्लिपकार्ट पे क्या फ्लिपकार्ट फ्लिपकार्ट पे सेल आई थी 70% ऑफ 100% तो नहीं है हां नहीं तो कितना है 100% नहीं है हां तो क्या लगाएंगे 70% के ऊपर 30% है माइनस हां 70% 30 प्लस माइनस मतलब 0.3 के ऊपर हां मेथड नंबर 1 फार्मूला -70 -30 -70 × -30/100 जिससे आपको मिलेगा -100 + 21 प्लस चलेगा माइनस के 79% माइनस 79 है ना दूसरा ऑप्शन मल्टीप्लाइंग फैक्टर मेथड नंबर 2 70% कम किया मतलब 0.7 0.3 0.3 और 30% कम किया तो 0.7 0.21 21 21% बचा है यानी 79% आपने डिस्काउंट दे दिया ऐसा बोल सकते हैं Yes. Yes, sir. चलिए आगे चलते हैं ये बताओ ये तो अपन अभी किया हो गया है तो 20% डिस्काउंट 20% डिस्काउंट इज इक्वल टू सिंगल डिस्काउंट 36 डिस्काउंट है हां ये डिस्काउंट नहीं है इंक्रीमेंट है 134 होगा इसका आंसर क्या आया था अपना 44 ये फॉर्मूला हो गया जो अपने डिस्कस किया था अभी इसका एप्लीकेशन क्या है जो मैं लिख के बताऊंगा आपको देखिए पहला एप्लीकेशन क्या है पढ़ो जरा टू कैलकुलेट परसेंटेज To calculate percentage change in area. In area, when percentage change in length.
मतलब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ, राइट? मुझे इतना मालूम है एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ। अगर लेंथ को बढ़ाया 10% और ब्रेथ को भी बढ़ाया 20% तो एरिया में कितना इफेक्ट आएगा, एरिया कितना बढ़ जाएगा, इस फॉर्मूले की हेल्प से हम निकाल सकते हैं। याद रहेगा? यस। तो अगर 10% बढ़ाया लेंथ को और ब्रेथ को बढ़ाया 20% तो आंसर क्या आएगा? 10 plus 20 into 20 upon 100 32% यहाँ फिर लगाते हैं मल्टीप्लाइंग मेथड 1.1 into 1.2 which give you 1.32 what is 1.32 means 32% ये भी कर सकते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर वाला मेथड सबसे फास्ट है यहाँ भी लगा सकते हैं to calculate percentage change in the expense when percentage change in price and consumption given मतलब क्या होता है एक्सपेंस का price into price consumption consumption price को बढ़ाया मैंने 30% consumption को कम कर दिया 10% तो expenditure पे क्या फर्क पड़ेगा लगाते हैं formula 30 minus 10 plus 30 into 10 100 20 minus 3 answer is 17% to calculate percentage change in revenue of a company revenue में कितना फर्क पड़ेगा when percentage change in sales and price given जब सेल्स में और प्राइस में आपको चेंज दिया हो तो रिवेन्यू का फॉर्मूला होता है प्राइस इनटू सेल, प्राइस इनटू सेल। आप मुझे इतना बताना अगर प्राइस कम कर दी 20% और सेल बढ़ गया 20% तो रिवेन्यू में क्या फर्क पड़ेगा बताओ क्या आंसर आएगा सेम रहेगा सेम कहां से रहेगा फिर सब पढ़ाया लिखा कर दिया -20 + 20 - 20 × 20 / 100 ये कट हो गया ये तो बचेगा ना पार्ट हाँ रिवेन्यू 4% डाउन हो जाएगा -4 revenue अगर रिवेन्यू की बात करें वो प्राइस इनटू सेल है अगर प्राइस 20% डाउन होती है ध्यान से देखो कितना कम हो गया 1/5 तो सेल्स कितनी बढ़नी चाहिए थी 1/4 बढ़ती तो यहाँ पे 0% का फर्क आता अरे पर यहाँ पे 20% है ना 25 नहीं है तो 20% चलो ये बताओ कौन सी दुकान पे ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है पहले में दूसरे में शॉप नंबर टू में क्योंकि बड़ी है इसलिए नहीं फिर क्योंकि इसमें 30% के ऊपर से दिया है इधर 10% के ऊपर ये बाकी लोग डिस्काउंट दिए मतलब चलो क्रॉस चेक करते हैं हाँ अगर 1000 का सामान है दुकान पहली पे तो पहले दिया 10% डिस्काउंट कितना हो गया 900 उसके बाद 20% डिस्काउंट यानी 720 का 20% होता है 180 इसको मैंने 100 कम किया इसको मैंने 180 कम किया 180 और इसको 30% कम करना है हाँ 10% होता है 72 30% होगा 216 तो 216 कम कर दो 200 जाएंगे तो 520 बचेंगे 16 और गए तो 504 ऐसा कुछ आएगा यानी यहाँ पे सामान मिल रहा है 504 रुपए का ऐसा बोल सकते हैं यस 1000 है पहले कितना परसेंट ऑफ है 30% में कहां पहुंच जाएंगे 700 पे 20% पहले हमें कितना कम किया पहले 140
300 कम करेंगे यानी 540 हां 560 आप कितना कम करना है 56 यार यहां भी 500 जा रही है बराबर है बराबर ही है हां डिस्काउंट की वैल्यू सेम है देखो नंबर को आगे पीछे करने से फर्क नहीं पड़ेगा दिख रहा है तुम 30 20 10 बोलो या 10 20 30 बोलो या 20 30 10 बोलो कुछ भी बोलो किसी भी ऑर्डर में बोलो अगर वैल्यू बराबर है तो ओवरऑल सेम ही आएगा फर्क नहीं पड़ेगा ओके पक्का बोल पड़ा हां हां सर चलिए कितना बढ़ाया लेंथ को 50% ब्रेथ को कम किया 25% थर्ड नंबर वन फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस ए बी बाय 100 कितना ए आपका 50 प्लस में माइनस में प्लस में 50 माइनस 25 प्लस 50 इनटू माइनस 25 अपॉन 100 ये कितना आ गया 25 ये हो गया वनजा ये हो गया टूजा ये वनजा हो गया 25 माइनस 12.5 तो आंसर कितना आ गया बच्चों 12.5 मतलब एरिया की बात करेंगे तो एरिया कितना हो रहा है एरिया अभी भी 12.5% बढ़ रहा है क्योंकि प्लस आया क्वेश्चन में ये सॉल्व करने से प्लस आया माइनस आया प्लस आया मतलब इंक्रीमेंट है हाँ ठीक है हाँ ये एनीबॉडी फॉर आईपीएम हियर कोई आईपीएम के लिए है यस सर हाँ सर कौन है भूमिक भूमिक क्वेश्चन आपके लिए है सिर्फ मतलब ये एमएसयूबीबी में आ ही नहीं सकता ना एमएसयूबीबी में आएगा ना कभी ये यूगेट में आएगा पीडीपीयू में भी नहीं आएगा स्पेसिफिकली चांसेस जिसके बनते हैं इस क्वेश्चन के वो बनता है कि ये क्वेश्चन या तो एनपैट में आ सकता है या फिर आईपीएम में आ सकता है अच्छा अगर मैं डिफिकल्टी वाइज एग्जाम को अरेंज करूँ तो सबसे टॉप पे आता है आईपीएम थोड़ा उससे नीचे होता है एनपैट देन उसके बाद में आता है सेट एसईटी सिंबायसिस देन अगर उसके बाद बात करें तो हो जाएगा आपका यूगैट उसी के आसपास का लेवल का होता है पीडीपीयू एंड देन उसके बाद में आता है अपना बीबीए और बीबीए से नीचे लेवल पे आपका आ जाएगा क्राइस्ट और उसके बाद में आ जाएगा लॉ मैथ्स की बात कर रहा हूं ना मैथ्स की ठीक है बच्चों तो ये अपन क्वेश्चन जो होगा फिर अपन कभी बाद में कभी डिस्कस कर लेंगे अभी डिस्कस नहीं करते हैं इसको मम्मी का ट्राई करना मैं पीपीटी भेजूंगा फिर नहीं आएगा तो मुझे बताना ओके सर ऑलराइट ये आपके क्वेश्चंस थे अभी यहां पे जो मैंने लिए अभी अपन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कुछ करते हैं ठीक है आप लोगों को कुछ मटेरियल मिला है मटेरियल की नहीं मिला नहीं मिला भी नहीं मिला मिला नहीं मिला मैं बोलता हूँ सर को आपको ये पीडीएफ वगैरह भेज देंगे
ओके दिख रहा है मेरा स्लाइड? ये बताना क्या आंसर होगा बच्चे बताओ और कांस्टेंट रहेगा ना? कांस्टेंट कैसे रहेगा? ये देखो ना 1/4 ये बन ये तो फार्मूला फ्रैक्शन वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती 20% एक्सपेंडिचर की बात करें सॉरी रिवेन्यू है रिवेन्यू का फार्मूला क्या होता है प्राइस इनटू सेल्स रिवेन्यू कितना बढ़ रहा है 8% प्राइस कितना ड्रॉप हो रहा है 10% और सेल बढ़ रही होगी कम हो रही होगी पता नहीं लेकिन ये कंफर्म हो गया बढ़ी रही होगी क्योंकि अगर प्राइस कम हो रहा है उसके बावजूद अगर रिवेन्यू बढ़ रहा है तो सेल पक्का बढ़ी रही होगी ना लगाते हैं फॉर्मूला फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस ए बी बाय 100 इसमें ए कितना है ए माइनस टेन बी पता नहीं है और इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए इस पूरी वैल्यू का आना कितना चाहिए जो यहाँ पे आना चाहिए कितना है एट परसेंट एट इज इक्वल्स टू माइनस टेन प्लस बी प्लस माइनस टेन इंटू बी बाय 100 सॉल्व कर लो उसको यहां भेजो कितना हो गया 18 इज इक्वल टू 0 कट हो गया ये हो गया माइनस बी बाय 10 18 इज 9 बी बाय 10 वन जा एंड टू जा तो बी कितना आ गया 20% अरे इसका आंसर क्या होगा 20% समझ में आया बच्चों yes, sir. पक्का चले आगे yes, sir. अगेन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये क्या आंसर होगा
अच्छा ये बताओ, रेक्टेंगल दिया होता और इसकी लेंथ को मैं सॉरी ब्रेथ को मैं 20% बढ़ाता और लेंथ को 10% बढ़ाता, तो एरिया में कितना फर्क पड़ता निकाल सकते थे आप? By using formula A plus B plus AB by 100, yes or no? Yes. अभी बताया था ना बच्चों, देखो यहाँ पे ये समझाया था मैंने आपको, ये देखो ये क्या है, ये क्वेश्चन किया ना अभी आपने, राइट? तो ये क्वेश्चन अभी दिया हुआ है, अब ये बताइए स्क्वायर में क्या होता है? स्क्वायर में लेंथ और ब्रेड बराबर होती है? यस सर। तो अगर ये ए और ये भी ए, यानी अगर आपने इसको 10% बढ़ाया तो ये अपने आप कितना बढ़ेगा? 10%। ये साइड है ना, साइड ऑफ स्क्वायर, ये तो बराबर ही होगी। तो इस फॉर्मूले में ए का वैल्यू भी 10 आएगा और बी का वैल्यू भी 10 आएगा, आंसर आएगा 21%। Is it okay? Yes. अगर ऐसे नहीं करना तो ऐसे कर लो, एक काम करो कि ये स्क्वायर था, इसकी साइड थी 10 और 10, तो एरिया क्या था 100, नया स्क्वायर बनाया, ये हो गई 11, ये हो गई 11, एरिया कितना आ गया 121, कितना बढ़ गया 21 with respect to 100 into 100, 21%. Right? Is it okay? Yes, sir. Okay. मतलब आपको याद रखना है कि कोई भी अगर मल्टीप्लीकेशन होता है, इसको बढ़ाया इसको बढ़ाया, यहाँ पे क्या इफेक्ट आएगा, उसका फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस ए बी बाय 100 एप्लीकेबल है। एरिया इज लेंथ इनटू ब्रेथ, यहाँ पर भी लग गया था, एक्सपेंस में लग गया, रिवेन्यू इज इक्वल्स टू प्राइस इनटू सेल, यहाँ लग जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 1/2 बेस इनटू हाइट, बेस में और हाइट में इंक्रीमेंट दिया होगा तो भी लग जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की बात करते हैं, स्क्वायर का होता है ए इनटू ए, ये जितना बढ़ेगा ऑटोमेटिक ये बढ़ जाएगा, यानी जहां पर भी आपको मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है दो चीजों का वहां पे लगा सकते हैं। इज इट ओके? यस सर। आगे चलते हैं। सर फिर से एक बार, एक मिनट बेटा, अगर एक्सपेंडिचर पता है आपको कि एक्सपेंडिचर में कितना चेंज आ रहा है, अगर एक्सपेंडिचर की बात करें प्राइस इनटू कंजम्पशन है, ये जो फॉर्मूला है ए प्लस बी प्लस ए बी बाय 100, इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर है? जहां पर भी आपको दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन दिखता है, प्राइस बढ़ाया, कंजम्पशन बढ़ाया या कम किया, यहाँ पे इफेक्ट कैसे निकालोगे? ये फॉर्मूले से। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ, वो भी ऐसे निकालेंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर होता है एल इनटू ब्रेथ, लेकिन एल और बी दोनों बराबर होती है ए इनटू ए, तो ये वाली साइड जितना बढ़ेगी ऑटोमेटिक ये वाली साइड बढ़ेगी ना, क्योंकि स्क्वायर बोला हुआ है। तो अगर ये 10% बढ़ाएंगे तो ये भी 10% अपने आप बढ़ेगा, तो ये एक ही चीज है, अलग अलग नहीं है। समझ में आ रहा है? यस। ये बताओ, यही फॉर्मूला होता है, व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल? पाई आर स्क्वायर, कैन आई राइट पाई? तो कांस्टेंट नंबर है। आर कितना बढ़ रहा है? 20%। ये भी 20,
दो बार आ रहे ना एक ही सी सेम ही बोल दो तो 20% बढ़ेगा। तो एरिया में कैसे निकालेंगे इफेक्ट? एरिया में इफेक्ट निकालेंगे ए प्लस बी प्लस ए बाय 100। बहुत सारी मेथड है, ये पहली मेथड की बात कर रहा हूँ जो ट्वेंटी प्लस 20 प्लस 20 इंटू 20 बाय 100 दिस गिव यू 44% बिकॉज ये कैंसिल हो जाएगा 40 प्लस 4 44। अदरवाइज वी कैन डू 1.2 × 1.2 1.44 दैट मेक्स 44%, ये भी चलेगा। समझ में आ रहा है आपको ये सब? यस सर। पक्का कर लेंगे क्वेश्चन ट्राई, मैं दूंगा हैंडआउट आपको आज तो पक्का भेज ही रहा हूँ, ये पीडीएफ मैंने निकाल के रखा हुआ है, प्रैक्टिस के लिए भेजता हूँ अभी आपको मैं। ओके सर, ठीक है, इज इट ओके? यस सर। हाँ, मीटिंग एंड हो रहा है, वापस रिजॉइन करते हैं अपन 10 मिनट के लिए। ओके सर। तो ये सर्कल वाला एग्जांपल होगा और ये वाला आपका एग्जांपल होगा स्क्वायर के ऊपर कि हाउ विल यू कैलकुलेट स्क्वायर में अगर चेंज है तो। चले आगे? हाँ हाँ ओके, ये बताइएगा क्वेश्चन स्पेसिफिकली इन एग्जाम्स के लिए है, नॉट फॉर एमएससी बीपीए। एरिया ऑफ स्क्वायर इंक्रीज बाय हाउ मच परसेंट? 69। तो फाइंड द परसेंटेज चेंज इन साइड, साइड में कितना चेंज आएगा। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? ए इनटू ए, इनटू ए, ये बढ़ाया ये बढ़ाया और इसका इफेक्ट कितना आया? 69। तो क्वेश्चन करने के तो बहुत तरीके हैं। पहला तरीका आपका ये होगा कि अगर ये फॉर्मूला पता है हमको a प्लस बी प्लस ए बी बाय 100, इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए इस बार? 69। और a और b सेम ही होते हैं यहाँ पे, तो अगर हमने इसको x परसेंट बढ़ाया और ये अपने आप x परसेंट बढ़ जाएगा। हाँ, ये आ जाएगा x प्लस x प्लस x स्क्वायर बाय 100, ऐसा कुछ आएगा जो दिख रहा है। काफी लेंथी क्वेश्चन होने वाला है फिर ये, राइट? दिख रहा है यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर आ गए, तो ये क्या बन गया? ये बन गई क्वाड्रेटिक। इसको ऐसे मत करो, फिर काम करो इसको इजी करने के लिए 100 एज्यूम कर लो कि अगर पहले वाला साइड 10 होता और ये 10 होता तो एरिया कितना आता? 100। और मान लेते हैं बाद वाला साइड हो गया x, सो x इंटू x, x स्क्वायर कितना हो गया? 69% बढ़ रहा है, यानी कहना राइट 169। इसको अगर हम सॉल्व करें yes. तो x स्क्वायर कितना आ गया? 13। तो जो साइड पहले 10 था अब वो 13 हो गया, कितना बढ़ गया? 3 विथ रिस्पेक्ट टू 10। तो आंसर क्या आ जाएगा? 30%। मतलब यहां पे आंसर क्या होगा? चेंज इन साइड कितना है? चेंज इन साइड इज 30%। हमें पढ़ा बच्चों? यस यस सर। ये वाली मेथड काम नहीं करेगी इसमें, क्यों नहीं करेगी? क्योंकि यहाँ पे क्या बन जाएगा? क्वाड्रेटिक, और काफी लेंदी हो जाएगा फिर वो।
ये वाला मेथड काम नहीं करेगा, हमें लगाना पड़ेगा ये वाला, ये काम का है अपने लिए। फिर से देखो क्या बोला था, एरिया का फॉर्मूला होता है ए इंटू ए। तो हमने पहले ये मान लिया कि साइड इनिशियल मान ली, इनिशियल साइड को हमने 10 मान लिया, तो एरिया हो जाएगा 10 स्क्वायर, यानी एरिया हो जाएगा 100। और मान लेते हैं कि फाइनल या फिर न्यू साइड वो हमने मान ली x, तो एरिया हो जाएगा x स्क्वायर। बट आपको मालूम है एरिया जो है वो कितना परसेंट बढ़ रहा है, 69% बढ़ रहा है, यानी एरिया कितना होगा 169। अगर x स्क्वायर है तो x की वैल्यू कितनी होगी, 13। तो जो वैल्यू 10 थी वो 13 पहुंच गई, कितना इंक्रीमेंट हो गया 3 का, सो 3 का ओवर 10 इनटू 100, जिससे आपका आंसर क्या आएगा 30%। फिर ओके, यस सर, ऑलराइट। सो बस यही है जो भी था परसेंटेज में, दैट्स इट। मैं हैंड आउट दूंगा, आप प्रैक्टिस कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा उसको, इतना करो क्लास चले बेटा, ठीक है। मैं हैंड आउट भेजता हूं आपको अभी आज, आप सॉल्व कीजिएगा और कल तक मुझे डाउट पूछिएगा, ठीक है। डाउट क्लियरिंग का क्लास अलग से करेंगे, कल हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज परसेंटेज, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस। Profit and loss. Okay, sir. Okay. Bye. Bye. Thank you, sir. Bye. अच्छा ये recording में डाल दूँगा, YouTube में कल का भी डाला हुआ था, आज का भी डाल दूँगा. Okay. Okay, sir. Okay.